गर्मी का मौसम आ गया है और कई रिसर्चर्स में ये पता चला है कि 2022 में तापमान बहुत बढ़ने वाला है। ऐसे में अपना और अपने परिवार की सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत भी है। गर्मियों में हमारे शरीर का वाटर लेवल कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन जैसी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे चक्कर आना, लू लगना, नाक से खून बहना। हमें इन सभी से निपटना पड़ता है। हम अपने शरीर के वाटर लेवल को सुधार ले और हमारे शरीर में लिक्विड की कमी को अच्छे से पूरा करें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं और अपने शरीर को हेल्दी भी बना सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं गर्मियों में आप कौन कौन से जूस का सेवन कर सकते हैं ताकि आप डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों से बच सके। गन्ने का जूस गर्मियों में सबसे ज्यादा पिया जाता है क्योंकि गन्ने के जूस से हमें कई तरह की हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। गर्मियों में गन्ने का जूस पीने से हमारी बॉडी में डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसके साथ ही ये हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। आम का जूस, जैसे कि हम सभी लोग ये जानते हैं कि आम फलों का राजा कहा जाता है और यह हमें सिर्फ गर्मियों में ही नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है? आम को फलों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आम हमारे शरीर को कई सारे फायदे देता है। आम रस पीने से हमारे लंग्स और लिवर मजबूत होते हैं, हमें अच्छी नींद आती है, यह वजन बढ़ाने में भी असरदार है, हमारी स्किन का सौंदर्य बढ़ाता है और आमरस में कई सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारे सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। हमें गर्मियों में नियमित रूप से आम का रस पीना चाहिए। नींबू का रस, नींबू का रस पीने से हमारे शरीर के लिए बहुत गुणकारी साबित होता है। नींबू का रस पीने से हमारे शरीर में पानी की कमी पूरी होती है, यह हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, पेट ठीक करता है और नींबू का रस हमारे शरीर के लिए खून को भी साफ करने का काम करता है। संतरे का जूस, संतरे के जूस में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि हमारे पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। संतरे का जूस नियमित रूप से पीने से हमारे शरीर को कई सारे फायदे होते हैं, जैसा कि वजन बढ़ने में मदद करना, भूख बढ़ना, मधुमेह और कमजोरी खत्म करना। गर्मियों में इन सभी के साथ हमें तरबूज, गाजर, एलोवेरा, नारियल पानी, टमाटर, अनार और बीटरूट का जूस भी पीना चाहिए, जिससे हमारी शरीर को लिक्विड की कमी ना हो।